ऐसे ही बिटिया होती हैं जो अपने कुल को तारती हैं। किसी को असाध्य रोग है बेटा, एक दिख रहा है किसी मम्मी को तुम्हारे असाध्य रोग है, उनकी तमाम सर्जरी दरबार ने की है अभी। मुझे, मैं बहुत खुश हूँ आपके आशीर्वाद से। धन्यवाद अब करती हूँ मैं आपको कि मैं आज कल बंडे कर लिया है और मुझे कोई शरीर में कष्ट नहीं है। मैं पहले हवन करी थी, मैंने सिंगल थी, बट इस बार मैंने हवन किया है तो मैंने फैमिली को मैंने ऐड किया है, 7 जन है मेरी फैमिली में। तो बाकी तो मैं ठीक हूँ, मेरे परिवार भी मैं चाहती हूँ ठीक हो जाए, और कोई क्वेश्चन नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत जीनियस हो तुम। और ऐसे ही बिटिया होती हैं जो अपने कुल को तारती हैं। जी बहुत अच्छा किया आपने। आपके यहाँ परिवार में किसी को असाध्य रोग है बेटा, एक दिख रहा है किसी को। कई लोग रखे हो? 7 लोग? 7 है। कौन कौन रखे हो, किसको किसको बताओ जरा। मेरी मम्मी है, मेरी भैया, भाभी, भतीजा, दोनों भाई, दोनों भाभी है। मेरी छोटी वाली जो भाई है वो सीरियस है थोड़ी। मम्मी को तुम्हारे कष्ट है। हाँ, मम्मी को तुम्हारे असाध्य रोग है, उनको उनकी तमाम सर्जरी दरबार ने की अभी है ना जी। उनको लीवर, किडनी, गाल बेल्डर में थोड़ा समस्या ज्यादा है। मम्मी आपका 3 साल से पूजा कर रही थी, मैंने उनको बताई थी कि मैंने डीएनए में नहीं रखी थी पहले, तो वो 3 साल से पूजा कर रही थी मम्मी। दरबार ने उनकी सर्जरी की है सूक्ष्म में, तो उनका बेटा संकल्प करके एक महाहवन कर लेना दरबार में, वो दरबार की ओर से निःशुल्क है। अच्छा, तो ये सब तमाम रोग कष्ट से तुम्हारे यहाँ जो दरबार ने सब नष्ट किए हैं ये सारे हैं। थैंक यू, धन्यवाद गुरुदेव। सब कष्ट गए, सारे कष्ट खत्म हुए, कुछ विशेष देख लो यही सब थे। और गुरुदेव मेरी मम्मी को आप दर्शन नहीं देते, वो 3 साल से पूजा कर रही है, प्लीज मेरी मम्मी को दर्शन दीजिए। हम देख रहे हैं मम्मी तुम्हारी, देख रहे हैं हम जी। थैंक यू। और गुरुदेव मैं एक चीज और पूछना चाह रही हूँ कि मैं एक दिन सपनों आई थी मेरे को। हाँ। गुरुदेव एक दिन मुझे सपनों आई थी और मैंने अपने लिए बर मांगी थी दरबार से, तो सपनों में एक लड़का दिखाई दिया था, वो दरबार की भक्त है, तो क्या ये सच है क्या? तार लगा दो गुरुदेव, हाजिर की विनती है मेरी, मेरी शादी करा दीजिए, मैं इसके लिए बहुत परेशान हूँ। आँख बंद करके उसको देखिए जो सपने में देखा था आपने लड़के को। ओम ओम, आँख खोलो। नहीं कौन है गुरुदेव, इतना कैसे कठिन परीक्षा मत लीजिए गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी शादी जल्दी करवा। अभी सब मांगलिक कार होने वाले हैं, फटाफट गेट से बाहर निकलोगी मांगलिक कार आने शुरू। थैंक यू, धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहो बेटा।